क्या राज्यसभा जाएंगे कमलनाथ? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में चर्चाएं हो रही हैं। चर्चाएं ये हो रही हैं कि एमपी कांग्रेस मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए कमलनाथ को राज्यसभा भेज सकती है। ऐसी सियासी गलियारों में ऐसी चर्चाएं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच प्रदेश कांग्रेस के बड़े चेहरे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के राज्यसभा जाने की चर्चाएं तेज हैं। हालांकि ये सारी बातें सूत्रों के हवाले से हो रही हैं, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि कमलनाथ राज्यसभा जाएंगे कांग्रेस की तरफ से, इसकी पुष्टि नहीं है। सूत्रों के हवाले से ये खबरें हैं, सियासी गलियारों में इसकी चर्चाएं हैं। 13 फरवरी को कमलनाथ के कांग्रेस विधायकों को डिनर पर बुलाया है और इससे पहले उनके दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात के बाद ये चर्चा और तेज हो गई। देखिए, एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे कमलनाथ राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं। एमपी कांग्रेस के गलियारे से निकलकर आ रही खबरों पर भरोसा करें तो कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा भेजने की तैयारी कर ली है। इस खबर ने तब जोर पकड़ा जब कमलनाथ ने कांग्रेस विधायकों को 13 फरवरी को डिनर के लिए न्योता भेजा। कमलनाथ ने पार्टी के सभी विधायकों को 13 फरवरी रात 8 बजे भोपाल में डिनर के लिए बुलाया है। इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि पिछले दिनों कमलनाथ ने दिल्ली जाकर केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की और खुद राज्यसभा जाने की इच्छा जताई। हालांकि प्रदेश के नेता इस मुद्दे पर कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। देखिए, खबर क्या है ये तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश के और देश के नेता हैं हमारे कमलनाथ जी, और निश्चित तौर पे कमलनाथ जी की मुलाकात केंद्रीय नेतृत्व से होती रहती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और रही बात राज्यसभा की, तो राज्यसभा मैं समझता हूँ कि शायद मेरा कहना कुछ उचित नहीं होगा। केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा वो मध्य प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता को और मध्य प्रदेश की पार्टी को शिरोधार्य होगा, और केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशों का पालन कर जो वो आदेश करेगा उसी का पालन किया जाएगा। कमलनाथ के राज्यसभा जाने की चर्चाओं के बीच ये खबर भी जोर पकड़ने लगी है कि कमलनाथ को दरकिनार किया जा रहा है ताकि प्रदेश कांग्रेस के नए नेताओं को मौका दिया जा सके। इसी बीच बीजेपी इस खबर पर चुटकी ले रही है। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि कमलनाथ को लगातार दरकिनार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश से कमलनाथ जी को या किसी कांग्रेस कार्यकर्ता को कहां भेजे, पर अब तक जो कमलनाथ जी के साथ हुआ वो उनका राजनीतिक अपमान है। उनको त्यागपत्र देने का अवसर नहीं दिया और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया। फिर श्रीमान जितेंद्र पटवारी जी अध्यक्ष बने, उन्होंने कहना शुरू किया कि अब कांग्रेस में गुटबाजी खत्म होगी, यानी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह गुटबाज थे। फिर जितेंद्र पटवारी ने कहा कि अब कांग्रेस में कार्यकर्ताओं को सुनी जाएगी, यानी कमलनाथ कार्यकर्ताओं को नहीं सुनते थे। तो कांग्रेस के भीतर कमलनाथ का अपमान यदि कोई कर रहा था, उसका नाम है जितेंद्र पटवारी, यानी जीतू पटवारी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए विपरीत आने के बाद से ही पार्टी में बड़ी उठापटक चल रही है। जबलपुर के महापौर समेत कई नेता पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं। अब कांग्रेस पूरे दमखम के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है, लेकिन इसके पहले राज्यसभा के लिए सर्वसहमति से किसी एक नेता का नाम आगे करना भी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। भोपाल से न्यूज 18 के लिए वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।